हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे क्रिएटिव आर्टिस्ट दोस्तों, आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव क्ले क्राफ्ट लाए हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिसके लिए मैं रिक्वायरमेंट मटेरियल है, ये खाली टिन है, क्ले, ब्रशेस, टूल्स, फेविकॉल एंड पेंट। देखिए दोस्तों, मैंने क्ले को गूंद के रेडी कर लिया है। अब इसके लिए मैं अपने डेस्क पे टाइल डाल रही हूँ और मैं इसे रोल कर रही हूँ। दोस्तों हमारे पास कोई मोल्ड नहीं है, हम जो भी शेप्स कट करते हैं हाथ से ही कट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक ट्रायंगुलर शेप को कट किया है। इसके बाद मैं एक ऑयल पेपर ले रही हूँ। ऑयल पेपर को मैंने इसे रफली क्रश कर दिया है, दो पार्ट्स में दो लेयर लिए, यानी मैंने उसे और उसे भी मैंने रफली ट्रायंगुलर शेप ही दिए। बॉक्स पे मैंने फेविकॉल लगाया है, उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर रखा, फॉइल पेपर पर भी मैंने फेविकॉल लगाया है और अब इसे मैंने क्ले से कवर अप कर दिया है। कुछ फिंगर की सहायता से मैं इसे कवर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए मेरे पास जो टूल है इसका भी मैं इसमें यूज कर रही हूँ। टूल की सहायता से मैं इसके एंड्स को डब्बे पे दबाती जा रही हूँ और फिर हम इसे देखिए फिंगर की सहायता से फाइनल फिनिशिंग लुक दे रहे हैं। मैंने डब्बे को टिका दिया है, अब मैं जो बची हुई शेप है वो बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक डी आकार की शेप बनाई है, एक और ट्रायंगुलर शेप। आप समझ ही गए होंगे हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, ये कैटल की शेप है। इसके बाद मैंने रोल करते हुए ऊपर इसका टिप बना दिया है और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लंबी आकृति को बेल कर, देखिए दोस्तों अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसके कॉर्नर्स को मोड़ते हुए एक शेप दिया है। देखिए अब मैं फेविकॉल लगा करके इस सारी शेप को फिनिशिंग दे रही हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से, इसके ढक्कन वाले पार्ट के नीचे भी मैं फॉइल पेपर लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, अब इस पर हमने ग्राउंड बॉल लगाया है और ये कैटल की मैंने डंडी लगा दी है। देखिए इस तरह से कर्व करते हुए इसे हमने सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं दूसरा टिन ले रही हूँ, इस पर भी हम एक कुछ अच्छी सा फिगर बनाने वाले हैं। दोस्तों आप चाहें तो गैस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने इस रोटी में से सिर वाला पोर्शन काट लिया है। बचे हुए क्ले को मैंने हथेली पे गोल करके देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा क्ले को निकाल लिया है और बचे हुए क्ले को मैंने इस तरह से रोलर की सहायता से बेल लिया है। अब मैं फॉइल पेपर से एक गोला बना रही हूँ, देखिए इस तरह से, जिसपे मैंने ये जो रोटी है, रोटी जैसी आकृति को लपेट लिया है। इसके ऊपरी पार्ट में, इसके ऊपर वाली साइड में मैंने ये जो इसका सिर वाला हिस्सा था, यानी कि जो इसके बालों वाला पोर्शन है वो लगा दिया है और अब मैं कटर की सहायता से इसके ऊपर हेयर्स बना रही हूँ। अब मैंने इसके फेस वाले पार्ट पे मुस्टैचे लगा दी है। अब मैंने टिन के ऊपर फेविकॉल लगा दिया है। देखिए मैंने इसके फेस को इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इसके फेस को प्लेस कर दिया है और अब मैं इसकी मुस्टैचे यानी कि इसकी मूछें लगा रही हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से, देखिए दोस्तों मैंने कटर की सहायता से इसकी मूछों के बाल बनाए हैं। ये इसके नीचे से स्माइल आ गई है और थोड़ा सा मैंने इसे नीचे की तरफ शिफ्ट किया है ताकि अब मैं इसकी टोपी बना सकूं। टोपी के लिए भी मैंने फॉइल पेपर को क्रश करके एक रफ आकार में रखा है और उसी से थोड़ा सा बड़ा आकार मैं काट रही हूं और फिर इस आकृति को इसके सिर पर रख दिया है। अब मैं इसके टोपी के ऊपर वाले पोर्शन को दबा रही हूं। शेफ की जो टोपी होती है नीचे की साइड से थोड़ी सी फोल्डेड होती है, वो हमने फोल्डेड बनाने के लिए उस पर एक स्ट्रिप लगा दिया है। अब जो ये जो टोपी है ये मुझे एक साइड से थोड़ी सी फूली भी चाहिए, इसलिए मैं एक और आकृति इसी तरह की कट करके इसी टोपी के ऊपर की तरफ लगा करके इसे इसमें मर्ज कर रही हूँ। उसे इसकी शेफ हैट में मैंने मर्ज कर दिया है। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़े क्ले की जरूरत पड़ी, मैंने थोड़ा सा क्ले और लगा करके इसे अच्छी तरह से मर्ज कर दिया है। दोस्तों मैंने फेविकॉल का यूज किया है और एक मेरी फिंगर गीली थी। अब मैंने इसकी शेफ हैट में तीन कट दिए हैं टूल की सहायता से। अब हम इसकी बॉडी बना रहे हैं। गले का पार्ट काटने के बाद सेमी सर्कल यानी कि सी दो साइड से कर्वी शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए अब मैं पहले इसकी बॉडी को रफली सेट कर रही हूँ। शेफ ड्रेस का जो ऊपरी भाग होता है वो मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इनके हाथ बना लिए हैं और दो ये हमने बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब जब मैं इसे फाइनली प्लेस करूंगी तो मैं इसकी बॉडी को पूरा लुक दूंगी। देखिए दोस्तों अब मैं इसकी बॉडी के लिए भी फॉइल पेपर को फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, जिस शेप की मैं बॉडी लगाने वाली हूँ उसी तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। देखिए मैंने पहले फॉइल पेपर को रखा फेविकॉल लगा करके, अब फॉइल पेपर के ऊपर भी हमने फेविकॉल लगाया है और देखिए दोस्तों मैंने ये शेफ की बॉडी को बनाया है। मैं फिंगर से इसे प्रॉपर शेप दे रही हूँ। इसे मैं पानी और फेविकॉल की सहायता से मर्ज कर रही हूँ। प्रॉपर शेप देने के बाद जो इसके ड्रेस का ऊपरी भाग है वो भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। इसे भी हम मर्ज करें, इसे ज्यादा मर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने इनके हैंड्स लगा दिए हैं मिस्टर शेफ के। अब जो इसके शेफ ड्रेस का जो पार्ट है उस पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। पहले मैंने एक कट लगाया है टूल से, फिर मैं मंडाला टूल से इसमें पांच छेद बना रही हूँ जो कि बटन्स का काम करेंगे और ये हमने इनके शू बना दिए हैं उन बॉल से जो मैंने पहले से बना के रखी थी। अब मैं दो उसी तरह के दो छोटे बॉल्स और बना रही हूँ जो कि इनके हाथ बनेंगे और टूल से मैंने उस पर कट करके फिंगर का लुक दे दिया है। और सबसे लास्ट में हम इनके कान बना रहे हैं और मैंने टूल से उसमें छेद कर दिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे मिस्टर शेफ भी रेडी हो गए हैं। Tomorrow.
हमारे क्ले टिन्स भी सूख चुके हैं। इसके बाद मैं इनके ऊपर व्हाइट बेस लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं पूरे ही टिन पे व्हाइट बेस लगाऊंगी दोस्तों। इस तरह से मैं इस पे दो लेयर्स लगाऊंगी क्योंकि ये डब्बा बहुत ज्यादा ही कलरफुल है। एक लेयर से ये काम इसका नहीं चलेगा, इसलिए हम इस पे दो लेयर्स लगा रहे हैं। एक लेयर सूखने के बाद हम दूसरी लेयर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से शेफ वाले पार्ट पे भी मैं दोनों लेयर्स लगा रही हूँ। A few inches later, दोनों टिन्स की हमारी दोनों लेयर लग के सूख चुकी हैं। दोस्तों मैं कैटल में जो कलर कर रही हूँ वो है डार्क ग्रीन। मैंने एक पोर्शन लिया है उसमें मैंने पर्शियन ब्लू कलर मिलाया है देखिए, और उसके बाद मैंने उसमें व्हाइट कलर मिलाया है तो ये लाइट टर्कोइज ग्रीन कलर बन जाता है। देखिए आप चाहे तो अपने हिसाब से शेड को चेंज कर सकते हैं। मुझे कुछ नया कलर ट्राई करना था इसलिए मैंने ये शेड यूज करा है। देखिए बहुत ही सुंदर ये है, मोस्टली लोग इसे पिकॉक ग्रीन कलर भी कहते हैं। अब हम इसे केटल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने केटल के निचले भाग पे अप्लाई कर दिया है और ऊपर वाले ढक्कन वाले भाग पे भी यही कलर होगा। उसके बाद जो टिन का हम शेड कर रहे हैं वो है ग्रे। देखिए दोस्तों मैं इसे दो पार्ट में बना रही हूँ। मैंने दो जगह पे व्हाइट कलर लिया है, एक जगह पे हम थोड़ा सा डार्क ग्रे बनाएंगे और एक जगह पे हम थोड़ा सा लाइट ग्रे। ज्यादा वेरिएशन नहीं दे रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं जब मैं कलर बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने लाइट और डार्क ग्रे कलर को बना लिया है। अब हम इसे कैटल पे लगा रहे हैं। देखिए मैंने इसे लाइंस में अप्लाई करा है और इसके लिए भी हमें दो पार्ट दो लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके साथ में मैं कहीं कहीं पे व्हाइट कलर भी मिला रही हूँ प्रॉपर लाइट ग्रे लुक देने के लिए। देखिए इस तरह से हमने ग्रे कलर को कम्प्लीटली कर लिया है। देखिए दोस्तों कैटल का जो हैंडल वाला पोर्शन है इसे मैंने ब्लैक कलर से डिवाइड कर लिया है। बीच वाला भाग है जो उसपे हम ब्लैक पेंट कर रहे हैं और जो इसके कैटल का ढक्कन है उसकी होल्डिंग को भी हम ब्लैक कलर कर रहे हैं। दोनों एंड्स पे हम ब्लैक कलर कर रहे हैं ब्रश से, और जो कैटल के बीच वाला भाग है उसके बीच में मैंने ब्लैक कलर लगा दिया ताकि जो डेप्थ है वो दिखाई दे। कैटल के बचे हुए हैंडल पर हम गोल्डन कलर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आपको दो लेयर्स में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने गोल्डन कलर के हाइलाइट्स बनाए हैं। देखिए इस तरह से इन गोल्डन शेड के हाइलाइट्स के ऊपर मैं व्हाइट के हाइलाइट भी दूंगी। डब्बे के नीचे वाले भाग पे मैंने ब्रश की सहायता से ब्लैक कलर को लगाया है। देखिए बहुत ही बारीकी से इसे लगाना है ताकि ग्रे कलर खराब ना हो। अब पूरे टिन पर हम ब्लैक कलर के ऐसे लाइंस बना रहे हैं या कहें स्प्रिंकल्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों व्हाइट कलर सूख चुका है। यूजुअली शेफ की ड्रेस व्हाइट होती है बट मैं व्हाइट के साथ में थोड़ा सा एक ड्रॉप से भी कम येलो कलर मिला रही हूँ। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही लाइटर येलो टोन का हम इसमें यूज कर रहे हैं। सेम शेड मैंने शेफ की जो शेफ कैप है उसके ऊपर भी लगाया है। जिस तरह से हमने केटल वाले कैन पे ग्रे कलर अप्लाई किया था उसी तरह से हम शेफ वाले कैन पे भी ग्रे कलर अप्लाई करेंगे। देखिए शेफ वाले कैन का भी ग्रे कलर सूख चुका है। इसके बाद हम शेफ के हेयर्स पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हैं। शेफ की मूछों पे भी हमने ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया है और सेम ब्लैक शेड हम इसके शूज पे कर रहे हैं। शूज पे कलर पूरा होने के बाद जो इसके ड्रेस में बटन्स हैं तो मैं फिल कर रही हूँ देखिए इस तरह से, और एक लाइन हम इस पे कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं व्हाइट कलर में हल्का सा ऑरेंज कलर डाल के स्किन कलर बना लिया है जो कि हम शेफ के फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। शेफ के फेस पे, ईयर्स पे और हैंड्स पे इसी तरह से हम इस स्किन कलर को अप्लाई करेंगे। उसके बाद टिन के बॉटम पार्ट पे मैंने ब्लैक कलर को अप्लाई कर दिया है जैसे कि हमने पहले टिन पे किया था, और सेम उसी तरह से हम इस टिन के ऊपर भी ब्लैक कलर के लाइंस बनाएंगे। हैट में हमने ब्लैक कलर की सहायता से डिटेलिंग कर ली है। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं व्हाइट कलर का थिन ड्रॉप उठा के इनके फेस पे सर्कल बना रही हूँ जो कि इनकी आईज है। व्हाइट कलर सूखने के बाद मंडाला टूल की सहायता से ब्लैक कलर के ड्रॉप्स बनाए हैं और उसके सेंटर में मैंने व्हाइट कलर का एक हाइलाइटिंग डॉट बनाया है। उसके बाद हम इनकी स्माइल बना रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों कैटल के ऊपर जहाँ हमने गोल्डन कलर अप्लाई किया था वहीं मैं व्हाइट शेड से हाइलाइटिंग दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हाइलाइटिंग पूरी होने के बाद जो दोनों कैंस के कैप हैं वो भी इस इनकी तरह सिमिलर लगे, इसलिए हम इनके ऊपर व्हाइट कलर के स्प्रिंकल्स बना रहे हैं। देखिए दोस्तों कैन बन के तैयार हो चुके हैं। फाइनल इनके ऊपर हम स्प्रे लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।